एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं नशरियात में, जो कि इंशाल्लाह आज अजान फजर तक जारी रहेगी। हमारे साथ आलम इस्लाम के दो मशहूर मारूफ सना खां, मशहूर मारूफ नात खां हजरात मौजूद हैं। उनका नाम ही उनका तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ज़ाहिर शान रमज़ान में क्यू टी वी में मुसलसल इन्हें देखते हैं, इनके बगैर महाफिल नामुकम्मल है। जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब, जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आमद का, जज़ाकअल्लाह। आप लोग वैसे भी महफिलों में आते हैं और बड़ा हौसला बढ़ाते हैं ऑन एयर के अलावा भी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाकअल्लाह। आपकी विसात से आलम इस्लाम को शब कदर मुबारक, मुमकिन शब कदर, लेकिन ज़ाहिर है कि हम उसे अपनी अपनी हसरत से, अपनी तमन्ना से यकीनन शब कदर में बदल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमन्नाओं को, दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा दे, इलाहे आमीन। और इस हुजूरी के लम्हे को हमारे लिए शब कदर बना, इलाहे आमीन, इलाहे। सभी भाई आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान, बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। मिलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस कैफियत में ये शेर हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कतरे को जैसे समंदर समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे, मुझको मताफ अपने अंदर समेटे, जैसे जैसे समेटे आगोश मादर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबे करम पर आए हुए हैं, फिर मुल्तज़म पर आए हुए हैं, बाबे करम पर
पर आए हुए हैं, सबके दाता तेरे गदागर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवा लिया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है, मुझ पर करम मेरे रब ने किया है, पहुँचा हूँ फिर से हतीम के अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। आप यहाँ खुल गए, लोगों ने भी इतना लुत्फ लिया, आई एम श्योर दर खुल गए हैं और कबूलियत के लम्हात हैं। ऐसे में जो मुझ जैसे रह गए हैं है, है। उनका फ़र्ज है कि वो ये दुआ ये इल्तजा ये बिनती ये अरीज़ा इन लम्हों में इनको खुश नसीबों को देखते हुए कहें। खुशाबुद्दीन हुजूर ऐसा कोई नहीं। हाँ वाह वाह। और उसके बाद आपने चूंकि मुझे भी वो पैगाम आया है कि आपसे वो खुशा वो दिन भी सुनना चाहते हैं, आप बेशक पहले ये पढ़ दीजिए इसके बाद उसके बाद बेशक। हुजूर ऐसा कोई जाए
इस्लाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कहते तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह हमें हाजिरी का फैज़ अगर साथ आ जाए तो कैसे ज़हनो ख़याल में दिल में गुदगुदाता रहता है। कलाम देखिए, खुशा वो दिन हरम पाक की फजा में था खुशा हरम में पाक की फजा में था जुबान खामोश दिल
عرش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا زبان خاموش تھی دل در کرم پہ صدا دے رہا تھا صدا دے رہا تھا عشقوں سے جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گدا میں تھا جو ملتزم پکڑے تھے جیسے جیسے میرے پاؤں میں تھا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور یقینا جس جس کو اللہ پاک نے سعادت نصیب کی ہے یہ طواف کرنے کی اس گھر کے گرد چکر لگانے کی تو اس کو یقیناً وہ سارے لمحات یاد آ رہے ہوں گے چونکہ ہم براہ راست یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور صدیق بھائی کلام پڑھ رہے تھے.
कि अलग ही एक कैफियत है, अलग ही एक मंज़र है कि इंसान बस तवाफ़ करता जाए, ज़िक्र खुदा करता जाए और बस अल्लाह ताला जो जो आज की इस नशरियात का किसी भी तरीके से हिस्सा है सबको जल्द अज जल्द ये सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। लाहे आमीन। सदीक भाई बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह सभी भाई ने तो बैतुल्लाह शरीफ क्या कहने हैं ज़ियारत करवा दी हमें यहीं बैठे बैठे। अल्लाह अकबर। इस मंजर से नजर ही नहीं हट रही ना। अल्लाह अकबर। आइए अब अल्लाह के हबीब के दरबार में हाजिर होते हैं। आज तो माशाल्लाह शबे कदर है और 3 साल के बाद ये देख रहे हैं कि हमारी माशाल्लाह आज पहली मर्तबा 3 सालों में हमारे अल्लाह ताला आप सबकी आवत का बहुत शुक्रिया भी और जज़ाकअल्लाह। आप सबको अपने बड़ा मिस भी किया लेकिन ज़ाहिर है वो बस कोरोना वाले सारे मामला तो आज सही कह रहे हैं आप 3 साल बाद कोई ऑडियंस आई है ना हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब मिलकर मोहब्बत से दुरूद व सलाम में आप भी शामिल रहें। अल्लाह सबको हरमैन तय्यबैन की बाद हाजरी नसीब फरमाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले सुभान अल्लाह घर में
फिर मदीने चले लूटने रहे मौतों के खजीने चले फिर से तैबा की जानिब सफीने दीजिए नूर है सुभान अल्लाह जी की रात है सुभान अल्लाह सिद्दीक भाई आज रोग सब भी तशरीफ फरमाया जाहिर लोग भी सुन रहे हैं लाखों लोग देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर बदायूनी साहब के किसी भी कलाम की या फिर ये ना कहीं से दूर है मंजिल है जो आप है सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये पढ़े बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि वालिही वो खुदा नहीं वो खुदा बात है ये मोहिब हबीब की बात है सुभान अल्लाह सुभान ये मोहिब हबीब की बात है वाह वाह आले तुझे नसीब हो कभी सामना तो बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि
में दो शेर या रसूल अल्लाह हाय हाय या रसूल अल्लाह हाय हाय या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं अल्लाह क्या कह रहे हैं जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह अल्लाह ताला इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा ये मानना है कि अगर बस जिक्र का एक लम्हा भी इंशाअल्लाह इतना पुरखलूस हुआ कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह आखिरत की मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आज की शब तो वैसे भी हर अमल कई गुना बढ़ जाता है और सरकार की शान में जो लम्हात गुजारे गए बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकअल्लाह सभी भाई क्या कहने कि आपने हमें खाने खुदा में पहुँचा दिया, आपने रोज़े रसूल में पहुँचा दिया। और बस खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे, दोनों का जिक्र हुआ और क्या सहल क्या ज़बरदस्त अंदाज में हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आप लोगों को अल्लाह ताला तूल उम्र अता फरमाए सेहत और सलामती के साथ इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह बस हम सब के लिए भी हाज़िरी का सबब बनाए इंशाअल्लाह, सबब बनाए। और जितने यहाँ हमारे मेहमान आए हैं अल्लाह सबको हरमैन तैयबैन की बाद बहादुरी नसीब फरमाए। जज़ाकअल्लाह बहुत नवाज़े सिद्दीक भाई, सभी भाई क्या शानदार महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। और सिलसिला जारी है, हम आते हैं वक्फे के बाद दोबारा इंशाअल्लाह।